एंड इस वाली वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ इस तरह के थंबनेल्स बनाना सिखाने वाला हूं जो तुम लोग अपने पिक्सल लैब से ही क्रिएट कर सकते हो। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। चलो अपनी वीडियो की तरफ को बढ़ते हैं। तो गाइस यार, सबसे पहले तुम लोगों को अपने स्किन सीड को ओपन कर लेना है। ये तुम लोगों को प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। एंड इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम फोटो सेलेक्ट करके अपनी स्किन को यहाँ पर फटाफट से इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद तुम लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। नीचे तुम लोगों को 5 तरह के मॉडल्स दिख सकते हैं, तो वहाँ पर तुम लोग अपने यूज कर लेना जो भी तुमको पसंद आएगा, वरना तुम अपनी वीडियो के थंबनेल के हिसाब से बना सकते हो। तो मैं तो अपने वीडियो के थंबनेल के हिसाब से बनाता हूँ। तो चलो देखो क्रिएट कैसे करते हैं अपने मॉडल को। सबसे पहले तो आप लोगों को टांग वांग कैसे करनी है वो देख लो। एंड उसके बाद हाथ वाथ पैर वैर सर वर जैसे भी तुम लोगों को मन है वैसे तुम लोग कर लो, वैसे मैं फटाफट से कर देता हूँ इसको। तो मैंने इसको अपने वीडियो के हिसाब से बना लिया है, तुम लोग भी अपने वीडियो के हिसाब से इसको बना लो। उसके बाद तुम लोगों को एक बैकग्राउंड इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी जो तुम लोग प्ले स्टोर पर इजीली ढूंढ सकते हो एंड डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद मैजिक टूल सेलेक्ट करके तुम लोग फटाफट से इसको इरेज कर देना है। एंड इसका अपने मॉडल का PNG निकाल लेना है जैसे मैं निकल रहा हूँ। तो गाइस यार फटाफट से तुम लोग देख लो मैं इसको कैसे इरेज करता हूँ। एंड हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो गाइस यार तुम लोग देख सकते हो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको इरेज कर दिया है। एंड देन इसके बाद डन के ऑप्शन पर तुम लोगों को क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके फिनिश कर देना। अगर तुम्हारे पास कोई और कैरेक्टर भी है जैसे मेरे पास है तो उसको भी कुछ सेम टू सेम स्टेप्स के साथ PNG उसको भी निकाल देना। एंड इसके बाद आ जाना है तुम लोगों को पिक्सल लैब में। तो पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद तुम लोगों को 3 डॉट्स पर जाना है। इमेज साइज सेलेक्ट करके कस्टम को सेलेक्ट करके यूट्यूब थंबनेल करके उसको ओके कर देना है। देन तुम लोगों का फिर इस साइज में आ जाएगा तुम्हारा इमेज। एंड इसके बाद हम लोगों को फिर से 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद यूज इमेज फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट करके तुम लोग अपना बैकग्राउंड यहाँ से ऐड कर लेना। इतना कर लेने के बाद टॉप पे जो प्लस आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है तुम लोगों को। उसके बाद फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट करके तुम लोगों ने जो अपने मॉडल का PNG निकाला था उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। एंड देन इसको अपने थंबनेल के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जिस तरह से मैं करने वाला हूँ। तो रुको फटाफट से इसको कर ले। तो मैंने इसको अपने थंबनेल के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इसके बाद तुम लोगों को उस कॉर्नर में पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है अपने PNG को। देन इसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर सेंटर का ऑप्शन दिख रहा होगा एक के बाद। उसके बाद तुम लोगों को वहाँ पर जाकर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके व्हाइट कलर कर लेना है सिलेक्ट, देन टिक कर देना। उसके बाद लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने PNG को नीचे ले आना है जो व्हाइट वाला है। देन उसके बाद हम लोगों को अपने व्हाइट वाले PNG को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। ऐसा लगना चाहिए कि हमारे बॉडी के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है जिस तरह से तुम लोगों ने इस वाले थंबनेल में देखा या फिर हमारे स्मार्टीफाई या फिर चपाती गेमर की वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा। तो गाइस यार ये तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, ये तो तुम लोग खुद से भी कर लोगे। तो इसके बाद मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ एडजस्ट। इसके बाद मैं तुम लोगों को जाना है फिर से लेयर के ऑप्शन पे। इसके बाद नीचे तुम लोगों को गोल ऑप्शन दिख रहा होगा उसमें क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना। देन ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। फिर अपने सेकेंड कैरेक्टर का भी कुछ इसी तरह से इम्पोर्ट कर लेना तो यहाँ पर। एंड उसको भी कुछ इसी तरह से लाइट दे देना जिस तरह से इस वाले को दिया था। एंड इसके बाद इसको भी एडजस्ट कर लेना अच्छी तरह से। तो गाइस यार मैंने अपने मॉडल को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया। फिर तुम लोगों को उसी सेंटर वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर सेव सेलेक्ट करके वहाँ से तुम लोगों को सर्किल सेलेक्ट कर लेना है। सर्किल सेलेक्ट करने के बाद तुम लोगों को यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करके टिक पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद तुम लोगों को इसको कुछ सेंटर वाले से खींच खींच कर थोड़ा लंबा पतला कर देना है जिस तरह के इस माइनक्राफ्ट के अंदर शैडो होती हैं हमारी। देन इसके बाद लेयर के ऑप्शन पर तुम लोग चले जाना, उसके बाद उसको भी सबसे नीचे कर देना। तो अपने शैडो को एडजस्ट करने के बाद तुम लोगों को यहीं पर ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। देन ओपेसिटी को क्लिक करके उसमें 55 या फिर 60 के बीच में रख सकते हो। मैं तो यहाँ पर 55 रखने वाला हूँ। 55 करने के बाद तुम लोग टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो इसकी ओपेसिटी कम करने के बाद हम लोगों को फिर से लेयर्स के ऑप्शन पर जाना है। देन अपने सर्किल वाले को कॉपी कर लेना है। सर्किल वाले को फिर से अपने कैरेक्टर के नीचे लेकर आ जाना है। कैरेक्टर के नीचे ले जाने के बाद हम लोगों को इसको कुछ अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है जिस तरह से हम लोगों ने पहले मॉडल के नीचे किया था। एंड देन उसके बाद तुम लोगों को इन सबको लॉक कर देना है। तो तुम लोगों ने बहुत सारे थंबनेल्स में देखा होगा कि मॉडल्स के ऊपर उनके नाम भी लिखे रहते हैं, तो वो चलो मैं तुम लोग सिखाता हूँ कैसे वो बनता है।
तो इसके बाद तुम लोगों को प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, देन टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके तुम लोगों को कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर तुम लोग अपने नाम को लिख सकते हो, तो मैं यहाँ से फटाफट से अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे स्मार्टीफाई का नाम है तो स्मार्टीफाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इतना करने के बाद तुम लोगों को फिर ए के ऑप्शन पे, जहाँ पर तुम लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर जाकर ए बी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से तुम लोगों को कुछ इस तरह का फॉन्ट मिल जाएगा, जो मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा या फिर कमेंट में दे दूंगा। देन इतना सब कर लेने के बाद तुम लोगों को फिर से सेंटर वाले ऑप्शन पे जाना है, वहाँ से शेप सेलेक्ट कर लेना है। शेप में तुम लोगों को ट्राइंगल नहीं भाई स्क्वायर है, ये स्क्वायर रहने देना है। उसके बाद ब्लैक कलर सेलेक्ट करके तुम लोगों को अपने PNG के नीचे ले आना है, यानी टेक्स्ट के नीचे, एंड देन उसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है कि पूरा टेक्स्ट उसके अंदर आ जाए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से सेंटर वाले सेलेक्ट कर करके। तो इसको तुम लोग अच्छी तरह से देख लो, एंड इसी तरह से तुम लोग भी अपने सर जैसे तुम लोगों ने थंबनेल्स में देखते हो वैसे ही तुम लोग भी बना सकते हो। देन इसके बाद तुम लोगों को इन दोनों को मर्ज कर देना है लेयर्स के ऑप्शन में जा करके, एंड इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देना है, एंड सर जिस तरफ से मुड़ा हुआ है हल्का सा उधर अगर घुमा दोगे तो कुछ ज़्यादा ही ऑसम दिखने लगेगा। देन इसको एडजस्ट कर लेने के बाद हमारा जो सेकेंड मॉडल है उसके सर पे भी सेम टू सेम स्टेप करके तुम अपना नाम लिख सकते हो, जिस तरह से इसका लिखा था। तो मैं इसको भी फटाफट से कर देता हूँ कंप्लीट। तो गाइस यार हमारा मॉडल दोनों बन के तैयार हो चुका है, थंबनेल भी ऑलमोस्ट तैयार है, बट हमारा बैकग्राउंड कुछ फीका फीका लग रहा है। इसके लिए तुम लोगों को नीचे से स्लाइड करना है, एंड तुम लोगों को लास्ट में एक फुलझड़ी जैसा ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बेस्ट सेटिंग्स बताने वाला हूँ, ब्राइटनेस सेलेक्ट करके तुम लोग इसको 20 तक बढ़ा लेना। इसको मैं 20 कर देता हूँ अच्छी तरह से, अबे हो जा भाई 20 ये हो गया, उसके बाद टिक कर देना। देन सैचुरेशन पे जाके भी इसको भी 20 कर देना, इसको भी 20 कर दे भाई मेरे, ये हो गया 20। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट पे तुम लोग सेलेक्ट करना है, कॉन्ट्रास्ट में जाके तुम लोग इसको भी 20 कर लेना। ये तुम्हारा सबसे बेस्ट सेटिंग हो जाता है बैकग्राउंड के लिए, अगर नॉर्मल वर्ल्ड में स्क्रीन शॉट है तो। एंड इसके बाद हमारा थंबनेल बनके तैयार हो चुका है। अगर तुम लोग कुछ SMP या फिर अपना माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज खेलते हो तो तुम लोग उसका भी लोगो लगा सकते हो या फिर SMP का लोगो लगा सकते हो। मैंने कुछ इस तरह से हेई करके लगा दिया है। एंड इसके बाद हम लोगों को 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट इमेज में क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक कर देना है कस्टम को, एंड देन PNG से JPG भी सिलेक्ट कर लेना, देन सेव टू गैलरी करके हमारा थंबनेल तैयार हो चुका है। सो गाइस यार आई होप तुम लोगों को वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल वीडियो था। और अगर तुम लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी तो तुम लोग मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर लेना, मैं तुम लोगों का उसका आंसर दे दूंगा। तो गाइस यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, हमारे 300 सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो गाइस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलता हूं मैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।